हरिओम, मैं समीर सिंह पवार, कर्वे नगर उपासना केंद्र पुणे। मैं आज मेरा कोविड रिलेटेड अनुभव आपको बताना और शेयर करना चाहता हूँ। मैं पुणे के भारती हॉस्पिटल में क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल, जो वैक्सीन ट्रायल रहते हैं, उसमें काम करता हूँ। कोरोना से पहले हम लोग पीडियाट्रिक ट्रायल्स करते थे, जो छोटे बच्चों के वैक्सीन रहते हैं उसके ट्रायल्स हम लोग करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तब कोरोना के लिए हमारे यूनिट को ये अडल्ट के कोविड ट्रायल्स की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि आपको पहले पीडियाट्रिक ट्रायल्स कैसे कंडक्ट करने ये पता है, वो तो अभी कोविड की वजह से बंद हो गए थे, इसलिए हमको शिफ्ट किया गया कोरोना के ट्रायल्स में। पहले तो हमारा डायरेक्टली ये कोरोना के पेशेंट से कुछ कॉन्टैक्ट नहीं होता था, क्योंकि हम पीडियाट्रिक्स देखते थे। लेकिन अब ये कोविड ट्रायल की वजह से हमको जो कोविड के पेशेंट है उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनकी कंसेंट लेना, काउंसलिंग करना, ये सब करना पड़ता था। और ये सब करते टाइम खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता था कि वो जो बीमारी है वो इतनी हाईली इन्फेक्शियस थी कि उसका इन्फेक्शन आपको ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ रहे थे। उन सब के बीच में और ये पेशेंट के बीच में रोज जाकर काम करना है और फिर भी आपको पॉजिटिव नहीं आना है, तो इसके लिए आपको कुछ सॉलिड प्रोटेक्शन चाहिए। वो सॉलिड प्रोटेक्शन एक तो वैक्सीन था, लेकिन अब तक वैक्सीन आया नहीं था। तो मेरे लिए वो क्या था, जब हेल्थ केयर वर्कर के लिए वैक्सीन शुरू हुआ उससे पहले मैंने जब एंटीबॉडी टेस्टिंग किया तो वो जीरो एंटीबॉडी था, और जब सेकंड डोज लिया उसके 12 दिन बाद मैं खुद पॉजिटिव आया। खाली दो डोलो की गोली लेकर मैं ठीक हो गया, लेकिन काम पे ज्वाइन होने के बाद जब मैंने वापस अपना एंटीबॉडी चेक किया तो वो अबव 2500 के ऊपर, वो यानी सुपर एंटीबॉडी उसे कहा जाता है, तो उतने एंटीबॉडी मेरे में थे। जब तक 1.5 साल मुझे वैक्सीन नहीं मिला था तब मेरा प्रोटेक्शन बापू ही कर रहे थे। जब तक मैंने कोविशील्ड नहीं लिया था तब तक मेरा प्रोटेक्शन बापू शील्ड कर रहा था, क्योंकि ये सदगुरु बापू का ही कवच है, उसकी उपासना से जो मिली हुई ताकत है उसके वजह से ही मैं ये साल 1.5 साल कोरोना में काम बगैर कोरोना हुए कर रहा था। और इस सब में ना मेरी फैमिली अफेक्ट हुई ना मैं अफेक्ट हुआ। हम बहुत सारे पेशेंट देखते थे कि जो ये लड़ाई हारते थे, और जब वो लड़ाई हारते थे ना उनके कोई रिश्तेदार उनके साथ रहते थे ना कुछ रहता था, खाली 4 पीपी किट वाले आदमी और उसका प्लास्टिक में लपेटा हुआ बॉडी, वो 4 आदमी उसका अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन बापू का ये जो कवच है उसकी वजह से ना वो बीमारी में कभी हमको वो बेड की ज़रूरत पड़ी, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ना हमारा ये हाल हुआ कि हमको वो 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ी। मैं आज 1.5-2 साल कोरोना में काम करके भी यह अनुभव बताने के लिए आपके सामने जो हट्टा कट्टा बैठा हूँ, ये सब मेरे बापू की कृपा है और उसकी की वजह से आज मैं यह अनुभव बयां कर पा रहा हूँ। कोविशील्ड आज बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि ये जो बापू का कवच है, जो बापू शील्ड है, वो सबसे बेहतर है और सबसे कारगर है। वैक्सीन काम करेगा या नहीं उसमें मेरा बापू काम करेगा। और मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, मराठी में ये बोलते कि अगर आपका नाना खनखनीत हो तो आप ठोक बजा के बोल सकते हो, वैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बापू है ही उतना अच्छा और उसका जो कवच है वो उससे भी बढ़िया है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि राम नाम ये राम से भी बढ़कर है, वैसे बापू भक्ति और बापू के जो बोल है वो उस बापू से भी बढ़कर है, और वो श्रद्धावान की रक्षा हर हाल में करते हैं, कोई भी संकट उसके ऊपर आ जाए, लेकिन बापू का ये जो नाम है, उसकी उपासना है, उसकी भक्ति है, ये सब परिस्थितियों में आपको तारके ही रहेगी और आप ये भवसागर आसानी से तय कर पाएंगे। मेरे बापू से यही विनती है कि सब लोगों पे आपकी छत्र छाया ऐसी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो आपका पाथ है, जो आपका भक्ति पथ है, उस पर आए और अपना जीवन सफल करें। हरिओम, श्री राम अम्बर।